लिक्विडिटी की कमी से जूझ रहे बैंकों को क्रेडिट मांग को पूरा करने के लिए महंगी दरों पर कर्ज उठाना पड़ रहा है रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि बैंकों ने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के जरिए तीन दशमलव आठ एक लाख करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई है जो अप्रैल 2014 के बाद डिपॉजिट सर्टिफिकेट के जरिए जुटाई गई सबसे बड़ी राशि है बैंकों ने इस बार ये राशि आठ दशमलव दो दो फीसद की दर पर जुटाई है जो मई 2019 के बाद सबसे ज्यादा ब्याज दर भी है बैंकों की तरफ से इतनी महंगी दर पर उठाई के कर्ज के बाद उनकी तरफ से दिया जाने वाला कर्ज और महंगा हो सकता है तो अंशुमान जी इस स्थिति को आप कैसे रीड कर रहे हैं बैंक आपको किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं देखिए वैसे तो सीडी जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है उसके जो डिपॉजिट सिस्टम है उसका हिस्सा केवल दो परसेंट रखते हैं अगर आप आंकड़ों को देखें पूरे बैंकिंग सिस्टम में तो जितना डिपॉजिट जमा हो रहा है उसका दो परसेंट हिस्सा है तीन लाख करोड़ रुपए के आस पास का सी का, का शेयर है भारत के बैंकिंग सिस्टम में, में अभी के हिसाब से लेकिन जो रेट है वो काफी इंडिकेटिव है जो आठ फीसदी का ब्याज की ब्याज दर बैंकों को सीडी जुटाने के लिए देनी पड़ रही है ये इस बात की तरफ संकेत कर रही है कि बैंकों के पास पूंजी की जबरदस्त कमी है लिक्विडिटी की जबरदस्त कमी है रेगुलर एफ के अलावा भी जो बाकी लोगों की बचत आ रही वो पर्याप्त तो नहीं है क्रेडिट की डिमांड लगातार बनी हुई है महंगी दरों पर भी क्रेडिट की डिमांड बनी हुई है और उसे फिनांस करने के लिए बैंकों को नई पूंजी की ज़रूरत है और उस पूंजी के लिए वो बेहद महंगे दर पर कर्ज उठा रहे हैं जो कि आठ फीसदी है अगर आप एटी वन बॉन्ड्स को देख लीजिए या बाकी जरिए देख लीजिए जहाँ से पैसा बैंकों को पूंजी के तौर पर मिल रहा है और इस हिसाब से ऐसा लगता है कि बैंक ब्याज दरों में लंबे समय तक कमी ना होने के लिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आप आठ फीसदी और नौ फीसदी पर जब डिपॉजिट्स जुटा रहे होंगे तो आने वाले समय में उन डिपॉज़िट्स की सर्विस करने के लिए आपको लोन के रेट डबल डिजिट में रखने होंगे नौ फीसदी दस फीसदी पर तभी बैंक उस डिपॉज़िट की सर्विस कर पाएंगे और जो रिटर्न होगा उसे उसे डिपॉजिटर्स को दे पाएंगे और ये एक किस्म का विशेष साइकिल है किस्म का दुश्चक्र है जिसकी तरफ बैंक बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और इसलिए ऐसा लगता है कि डिपॉजिट्स के, के तरफ से अगर आप देखें तो आपको महसूस होगा कि अगले छः महीने या साल भर तक भारत में ब्याज दरों में कर्ज पर ब्याज दरों में किसी बड़ी कमी की उम्मीद नहीं है